हेलो बच्चों, आपने छोटी ई की मात्रा सीख ली है। अब आप बहुत सारे वर्ड्स भी पढ़ने लग गए हैं। आज हम आपकी पुस्तक से चिड़िया रानी इस कविता को गुनगुनाएंगे। मैं आपको इस कविता को पढ़कर सुनाऊंगी। आप ध्यान से सुनिए मैम कैसे पढ़ रही हैं। उसके बाद आप भी इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। एक बार पढ़ने के बाद मैं आपको इस पोएम को, इस कविता को एक्सप्लेन करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। चिड़िया रानी फुदक फुदक कर ची ची चू चू गाती हो, फर 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 करती रहती आसमान तक जाती हो। मेरे भी पंख होते तो मैं भी अंबर तक जाता, पेड़ों के ऊपर जा बैठ मीठे मीठे फल खाता। बहुत सुंदर कविता है बच्चों। ये कविता है इस बच्चे और चिड़िया के बीच में बातचीत। ये जो छोटा सा बच्चा है, ये कविता के रूप में चिड़िया से बातें कर रहा है। और क्या कह रहा है? उसको कह रहा है कि कविता, चिड़िया रानी तुम फुदक फुदक कर चींची चू चू गाती हो। आपने भी चिड़ियों को सुना है ना, कैसे दिन भर ची ची चू चू की आवाज आती है। और जब वो चलती हैं तो ऐसे लगता है फुदक फुदक कर चल रही है, जिसको हम हॉप कहते हैं। ऐसे पुट 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 करके वो लोग चलती हैं, फर 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 करती रहती। और फर फर क्या होता है? जब चिड़िया उड़ती है तो उसके पंखों से ऐसी आवाज आती है, फर फर की आवाज आती है। और वो उड़ते हुए कहाँ चली जाती है? आसमान तक जाती है। फिर वो बच्चा सोचता है और चिड़िया को कहता है कि मेरे भी पंख होते तो, अगर मेरे पास भी पंख होते मैं भी अंबर तक जाता। अंबर तक मतलब मैं भी आसमान तक जाता। जैसे वो चिड़िया को आसमान तक उड़ते हुए देखता है ना, ऐसे वो भी उड़ के आसमान तक जाना चाहता है। और उसके बाद पेड़ों के ऊपर जा बैठ, फिर वापस उड़ के वो पेड़ों के ऊपर बैठकर क्या करना चाहता है? मीठे मीठे फल खाता। मतलब वो फलों वाले पेड़ों पे बैठता और उनके ऊपर बैठकर मीठे मीठे फल खा लेता। कितनी सुंदर कविता है। अब आप लोग सब इसको लर्न करने की, गुनगुनाने की कोशिश करेंगे ना। ओके बच्चों, हैप्पी लर्निंग। और जल्दी से इसको लर्न करके पहले अपनी मम्मा पापा को सुनाएंगे, फिर जब स्कूल आएंगे तो मैम को सुनाएंगे। बाय बच्चों।